शाहरुख खान ने मीडिया से बात करना बंद कर दिया है। पठान के वक्त YRF ने कुछ वीडियोस रिलीज किए जहां शाहरुख, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण अपने किरदारों से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे थे। डंकी के वक्त भी कुछ ऐसा ही किया गया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल चैनल पर शाहरुख, तापसी पन्नू और राजकुमार हिरानी के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो अपलोड किया। शाहरुख शुरू में कहते हैं कि लोग डंकी को लेकर अनगिनत सवाल पूछते हैं, फिल्म किस बारे में है, कहानी क्या है, डंकी क्या होता है। उन्होंने कहा कि वो राजकुमार हिरानी और तापसी पन्नू के साथ मिलकर ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। शाहरुख ने सबसे पहले जलंधर के पास किसी एक जगह पर स्थित एक घर की फोटो दिखाई। उसकी चोटी पर सीमेंट का हवाई जहाज बना हुआ था। शाहरुख ने जोड़ा कि इस तस्वीर से हिरानी की फिल्म का आइडिया आया था। हिरानी ने उस फोटो के बारे में बताया कि लोगों के घरों में जब भी कोई विदेश जाता तो वो अपने घर पर ऐसा टंकीनुमा ढांचा बनवा लेते। इससे ये दर्शाया जाता कि देखो हमारे घर से फला फला इंसान विदेश गया है। राजकुमार हिरानी ने आगे कहा, मुझे पहले हंसी आई, फिर मैंने धीरे धीरे इसे लेकर कुछ वीडियोस देखने शुरू किए। वहाँ पर गांव में ये बात है कि हर घर से एक आदमी चाहता है कि मैं विदेश में सेट हो जाऊँ। उसका एक कल्चरल बैकग्राउंड है। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त काफ़ी सिख फौजी ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वहाँ लोगों की कमी हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी तो उन्होंने पंजाब से काफ़ी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। वो वहाँ जाकर काम करने लगे। 1961 या 62 में एक एक्ट आ गया जिसके अंतर्गत उन्होंने लोगों को बुलाना बंद कर दिया। इनके परिवार बंट गए, आधे लोग यहाँ रह गए और आधे वहाँ। यहाँ के लोगों के मन में था कि हम भी जाएं। उन्हें वहाँ अच्छी ज़िंदगी दिखती थी, उन्हें आसानी से वीज़ा नहीं मिल रहा था। फिर गैरकानूनी ढंग से वहाँ जाना शुरू हुआ। जिस रास्ते से वो जाते उसे डोंकी रूट कहते, उसमें 6 से 8 महीने लग जाते हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई कहानी है, आखिर क्यों कोई इंसान अपना घर छोड़कर ऐसे जाना चाहता है। पूरी बातचीत में शाहरुख ने हिरानी और तापसी को अलग अलग फ़ोटोज़ दिखाए। एक में वीज़ा वाला गुरुद्वारा दिख रहा था। राजकुमार हिरानी ने बताया कि लोग वहाँ पर अपने वीज़ा के लिए मन्नत मांगने आते हैं। उसके बाद एक कोचिंग सेंटर की फ़ोटो भी स्क्रीन पर चली। राजू बताते हैं कि वो इंग्लिश सिखाने का कोचिंग सेंटर था। वो देखने चले गए कि वहाँ होता क्या है। पहुँचते ही एक शख्स ने पूछा कि इंग्लिश सीखनी है या डंकी मारनी है। राजू इंग्लिश सीखने के लिए बैठ गए। वो बताते हैं कि आसपास गांव के लोग बैठे थे, इतने में वहाँ एक इंस्ट्रक्टर आई। उन्होंने ऐसी इंग्लिश बोलना शुरू किया कि वो हिरानी के पल्ले भी नहीं पड़ी। आगे टीम ने फिल्म की शूटिंग से कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज़ भी शेयर की। एक जगह बताया कि कैसे विकी कौशल के एक एक्शन सीन में उनके पिता और एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल नर्वस थे, साथ ही कैसे तापसी को विदेश में लिविंग स्टैच्यू बनाकर खड़ा कर दिया गया। लोग उन्हें असली मूर्ति समझ बैठे और उनके पाँव के पास पैसे फेंकने लगे। बातचीत में आगे टीज किया गया कि फिल्म में शाहरुख और विकी का शराब पीते हुए एक सीन है। तापसी और शाहरुख का कब्रिस्तान में एक बड़ा सीन है। मेकर्स ने बस फोटोज साझा की, उनके पीछे की पूरी कहानी नहीं बताई। वो कहानी 21 दिसंबर को ही साफ होगी जब डंकी सिनेमाघरों में उतरेगी। इस इंटरव्यू के एंड में एक गाना भी रिलीज़ किया गया जिसमें विकी कौशल, तापसी पन्नू नज़र आ रहे हैं। बंदा नाम से ये गाना रिलीज़ हुआ। इस गाने को दिलजीत दोसांझ ने गाया है। ये जानकारी आपके लिए जुड़ाई थी मेरे साथ ही यमन ने। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।